Hello, everyone. Assalamu alaikum and welcome to class of Omar Khan. So, this is a very long awaited video. Uh, editing process, I raw record dalta because it's been very long since I have uploaded something. So, um, in this video, we are going to talk about uh, part B questions. Part A is very important. There are so many videos uploaded on part A, 10 markers. We never talk about part B.

उट द गोल्डन रूल्स गोल्डन रूल्स बहुत महंगी चीज है ठीक है बट मैं आपको बताऊंगा रिटर्न बाई माई एक्स स्टूडेंट्स सो वो मैंने अपने पास सेव करके रख लिए थे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दो इन ऑर्डर टू लेट यू नो दैट हाउ टू डू इट एंड वॉट टू अवॉइड क्या नहीं करना है और क्या करना है Then model answer construction ke baat that how you guys are going to construct your answers properly. So without any further delay, let's start. This is uh, uh, types of questions. In our paper, questions are mainly of two types. Close-ended questions to part A We talk about them all the time. Hai? So today's video is all about open-ended questions. Open-ended questions in Islamiyat are पार्ट बी दीज क्वेश्चन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं ठीक है पार्ट ए देखो जैसे तैसे निकल जाता है वो आपकी मेमोरी को टेस्ट करता है तो अगर आपकी ऊपर वाली मंजिल खाली है या काम नहीं करती तो भी चलेगा इतने तो मार्क्स आप ले ही लोगे यहां इसका बहुत इस्तेमाल है यहाँ पे आपको आ, समझना होगा यहाँ पे आपको एनालाइज करना होगा रीजनिंग देनी होगी मतलब यहाँ पे बड़ा आपको काम करना होगा इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है इसको बड़े में, इसको आप तीन स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, एक छोटा सा जो है वो आपको, बड़ा नुकसान कर देता है आपका. Remember, uh, 2015, School, तो वहां पे एक मॉक uh, या मीडियर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये था कि पार्ट ए वॉज माइग्रेशन टू एंड पार्ट बी वॉज वाइड मुस्लिम्स यानी कि वो ये लिखना चाह रहे थे बट माशाल्लाह से कुछ हमारे लेजेंडरी स्टूडेंट्स ने शायद जल्दी में इसको पढ़ लिया परसिक्यूट और उन्होंने आंसर लिख दिया कि डिड कुरैश परसिक्यूट पूरा अच्छा सा उसका आंसर लिख के आ गए थे तो भाई अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट कि आप वर्ड्स आप सही पढ़ो बल्कि उसका मतलब भी आपको समझना बहुत जरूरी होता है नंबर टू यू हैव टू प्रेजेंट योर ओपिनियन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें बहुत ज्यादा दट डू यू अग्री और डिस अग्री विदेटमेंट दैट मेमोराइजेशन ऑफ कुरान इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ऑलरेडी प्रिजर्व ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको कोई एक ओपिनियन के साथ जाना पड़ेगा ठीक है एंड देन स्टेप थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज यू हैव टू सपोर्ट योर ओपिनियन विद स्ट्रॉग रीजनिंग दैट स्टेप नंबर थ्री अच्छा अगर हम वेटेज की बात करें तो आपके पेपर का सिक्सटी एट परसेंट जो है वो क्या होता है वो टेन मार्कर्स होते हैं और आपका जो थर्टी टू परसेंट है दैट इज अंडरस्टैंडिंग ठीक है सो कैम्ब्रिज इस्लामियात का जो मार्क्स uh, डिवीजन है देर इज होप फॉर डम पीपल के अगर आपकी सिर्फ मेमोरी अच्छी है तो आप पेपर तो पास कर ही सकते हैं बट इफ लाइक यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग प्लस मेमोरी सो दैट्स चेरी ऑन टॉप यू गाइज आर गोइंग टू एस इट इन अच्छा मार्किंग लेवल्स क्या होते हैं ये पार्ट ए के मार्किंग लेवल्स हैं इसके ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे दीज आर मार्किंग लेवल्स ऑफ पार्ट बी ठीक है हो सकता है मेरे पुराने नोट्स अगर आप में से किसी के पास हैं तो ये दो तीन साल पहले डिफरेंट हुआ करता था अब इन्होंने चेंज किया थार यूज टू बी फोर लेवल्स अब इन्होंने उसको सिंपल करके दो लेवल्स कर दिए ठीक है जीरो तो खैर कुछ भी नहीं होता वन की अगर हम बात करें मतलब आपने क्या अवॉइड करना है तो भाई ये कह रहे हैं कि एक कैंडिडेट को मिलेंगे वन और टू आउट ऑफ फोर मार्क्स इफ रिस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेट सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ है? In words को में आया नहीं देर आर डिस्क्रिप्टिव एंड वन आउट ऑफ फोर दिलाएगी या टू आउट ऑफ फोर दिलाएगी अच्छा वाउट लेवल टू द गुड लेवल इसमें आपको थ्री या फोर आउट ऑफ फोर मिल सकता है इसमें वही ऊपर जो मैंने तीन बातें लिखी थी रिस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेट

मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट गोल्डन रूल्स आर गोल्डन रूल्स ऑफ पार्ट बी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये कोई किसी कैम्ब्रिज की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोडेड डेटा नहीं है कैम्ब्रिज इतना क्लियरली आसान वर्ड्स में कुछ भी नहीं बताता कि आपने ए में ये करना है और बी में ये करना है आप मार्किंग स्कीम्स उठा के देख लें ज्यादातर वेग होती हैं ठीक है सो लाइक दिस इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट डिस्कशंस विद समीनियर टीचर्स सम जूनियर टीचर्स विद लाइक डिफरेंट ट्रेनिंग्स दैट आई हैव अटेंडेड different discussions that I had with different uh, examiners of paper one and paper two separately. Like I have attended three to four trainings so far. So uh, ये उस सब का समझ लो के <coughs> uh, एक result है उस सारे experience का उस सारी discussions का. So this could be very vague के हल का फुल आपके teacher ने आपको different बताया. So that लत वही comparison की जरूरत नहीं है. And everything um, is presented. एंड अंडरस्टूड बाई डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट मैनर तो हो सकता है वो वही बात दूसरे तरह से कह रहे हो तो कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं मोस्ट पीपल बिलीव इन द सेम गोल्डन रूल्स ऑफ पार्ट बी पार्ट बी अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चनिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू गि गुड स्टार्टिंग स्टेटमेंट स्टार्टिंग स्टेटमेंट देते हुए तो ऐसी मौत आती है ना लोगों को मैं आपको क्या बताऊँ स्टार्टिंग स्टेटमेंट की मैं आपको नहीं अभी एग्जांपल्स से हम थोड़ा बाद में जाएंगे पहले हम सारे रूल्स को एक दफा डिस्कस कर लेते हैं ठीक है स्टार्टिंग स्टेटमेंट देखो स्टार्टिंग स्टेटमेंट होता कुछ भी नहीं है लेकिन इंप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट करता है स्टार्टिंग स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन में से ही बनाना होता है पॉइंटर्स की अगर हम बात करें सो आइडियली आपको फोर पॉइंटर्स देने चाहिए बल्कि मिनिमम को तो सोचो ही नहीं यार ये मिनिमम वाली बातें जो ना, है ना वीकलिंग्स करते हैं कमजोर लोग करते हैं खाना खाते हुए तो आप कभी नहीं बोलोगे ना कि यार एक रोटी खानी है दो नहीं खानी सही है अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है तो आप जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा ही खाने की कोशिश करोगे आप नहीं चाहिए होता यूजली ठीक है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कैम्ब्रिज ने नहीं कहा बट दिस इज लाइक माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन एज एग्जामिनर मैं भी हर साल बहुत सारे पेपर्स चेक करता हूं सो so, uh, इस तरह से अपने pointers को कर कर देना अच्छा ये सिर्फ एक method है है ठीक कोई भी आप कर सकते हैं लेकिन इस तरह से अगर आप अपने pointers को highlight कर देंगे तो एज एग्जामिनर चेक करना आसान होगा मेरे लिए मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा वैसे ही आपको पता है इस्लामिया इज ऑल अबाउट राइटिंग विद लाइक वेरी गुड स्पीड तो आपको पता है आप तेज लिखना शुरू करेंगे आपकी राइटिंग में बन जाना है कीड़े मकोड़े तो इट्स बेटर कि आप क्या करें आप

अगर मैं बात करूं ऑफिशियल सैंपल कैंडिडेट रिस्पॉन्स की जो मेरे पास चेक केम्ब्रिज के पेपर रखे हुए हैं जो ट्रेनिंग में वो देते हैं टीचर्स को आई हैव सीन आंसर जस्ट एट लाइन्स ठीक है गेटिंग फोर आउट ऑफ फोर एंड आई हैव सीन रिस्पॉन्स ऑफ ट्वेंटी लाइन्स गेटिंग टू आउट ऑफ फोर और इवन वन आउट ऑफ फोर सो इट्स नेवर अबाउट क्वान्टिटी इट्स अबाउट क्वालिटी ठीक है स्टिल अगर मैं आपको एक बहुत रफ आइडिया दू रॉ आइडिया सो दैट वुड बी आई वुड से लाइक समवेयर अराउंड टू वु हार्ड एंड फास्ट नहीं है 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 इससे इससे ज्यादा भी भी हो सकता है, कम भी हो सकता सकता कम ठीक देखो इसको कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल तरीका यह है कि आप क्या करें यह आपका पेपर है ठीक है देखो क्वेश्चन टू होता है तो जहां पे फोर्टीन मार्कर लिखा होता है टेन प्लस फोर यहाँ पे आपको तीन शीट्स मिलती हैं ठीक है यू आर गोइंग टू गेट दिस पेज इस पे कितनी लाइन होंगी क्योंकि इस पे ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव होंगी तकरीबन ठीक है इन तीन में आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है सो so, आइडियली हम क्या करते हैं हम पार्ट पहला पेज पूरा पार्ट ए में ऑक्युपाई करते हैं दूसरा पेज हम पूरा पार्ट ए में ऑक्युपाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर पार्ट ए इज लेंदियर वाला मतलब अर्ली लाइफ है बैटल ऑफ बदर है

क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हो गया मैंने आपको दोबारा बता दिया कि ये रफ है इससे कम या ज्यादा हो सकता है ठीक है रियल लाइफ एग्जांपल्स यस रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं अगर अगर यहाँ पे रिलेवेट कर रही हैं रिलिवेंट हैं चाहिए तो आप रियल लाइफ एग्जांपल्स लिखें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ठीक है भाई सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो इन विच वी टॉक्ट अबाउट द गोल्डन रूल्स गोल्डन रूल्स वाले पेज का प्लीज स्क्रीन ले लेना इसका स्क्रीन ले लो इसका स्क्रीन ले लो भाई लाजमी

उसके लिए पहले हम इसकी मार्किंग स्कीम पढ़ लेते हैं एक दफा ये क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम समर 2018 क्वेश्चन टू पार्ट बी क्वेश्चन इज द कुरान वाज रिवील्ड इन पार्ट्स ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स व्हाई वाज दिस इंपॉर्टेंट इस बात की क्या सिग्निफिकेंस है व्हाई कुरान वाज नॉट रिवील्ड एट वंस ठीक है ये इसकी मार्किंग स्कीम लिखी हुई है एज यू कैन सी इसके मार्किंग स्कीम के को बुलेट पॉइंटर्स को डिस्कस करते हैं नंबर वन द लोड द स्ट्रेंथ ऑफ कुरान जिसमें अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया है कि इफ़ वी रिवील्ड इट ओवर अ माउंटेन इट वुड हैव यू नो टर्न अपार्ट इन टू पीसेस सो द द द वेट ऑफ ऑफ कुरान वाज वन रीजंस कि उसको एक साथ रिवील नहीं किया ठीक है नंबर 2 द सेकंड रीजन इज दैट टू स्ट्रेंथन द हार्ट्स विद कांस्टेंट कम्युनिकेशन ठीक है ताकि बार बार रिवलेशन आती रहे तो अल्लाह से आज भी बात हो कल भी बात हो परसों भी बात हो रोज बात हो हर हफ्ते बात हो तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रहे अपलिफ्टेड मॉरल उनका ऊपर होता रहा के लोगों को टाइम मिले उसको अंडरस्टैंड करने का उसको इम्प्लीमेंट करने का और उसको प्रिजर्व करने का उस में तो तो था नहीं ना कि अच्छा भाई टाइप करना शुरू कर दो या रिकॉर्डिंग भी नहीं थी इसी तरह से नीड्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब कुछ भी नया होता उस हवाले से फिर कुरान रिवील हो जाता जैसे कि इंसिडेंट ऑफ स्लैंडर हुआ हजरत आयशा का uh, क्या कहते हैं ड्राई इवोल्यूशन तयमुम ठीक है बैटल ऑफ बदर के बाद स्पोइल्स ऑफ वॉर वॉर बूटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका जो है वो वो एक्सप्लेन किया आयत में चेंज ऑफ किबला सो ये सारी चीजें तो अब आप देखें ये इसकी मार्किंग स्कीम है सही है अब हम आते हैं आ, दो रिस्पोंसेस की तरफ लेट्स रीड दिस आंसर फर्स्ट कुरान वाज नॉट रिवील्ड एट वंस बिकॉज़ Of several reasons. अब ये हमें नजर आ रहा है एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट मुनासिब स्टार्टिंग स्टेटमेंट है बहुत एक्सिलेंट नहीं है गुड है मुझे फर्स्टली भी नजर आ रहा है फर्स्टली बर्डन ऑफ अब देखो फर्स्टली सेकेंडली का फायदा यह अगर मैं इतना दूर से भी होकर देखूँ ना तो आई कैन सी दैट ये पहला पॉइंट है यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है ये तीसरा पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है ठीक है तो एग्जामिनर को यू ढूंढना ही पड़ेगा अब आप देखो ये राइटिंग कैसी हुई है बहुत अच्छी राइटिंग तो नहीं है ये You can't blame the student because, like, you know, one hour, 30 minutes. Mein aapko pura paper so, uh, firstly, the burden of the revelation was very hard for the Prophet, peace be upon him. Allah says, if we had sent down the Quran on the mountain, it would have been perished. So, little by little, revealed this burden. Good reason. Uh, secondly, if the Quran was revealed at once, it would have been hard for companions to memorize it in one go. Now, point comparatively is short. Likha hua.

ठीक है उसके बाद जक़ात और फास्टिंग जो है वो फर्ज हुए में सेकंड एच बैटल ऑफ बदर में और फिर उसके बाद हज जाके फर्ज हुआ अब अगर कुरान पूरा एक साथ ही रिवील हो जाता और एक साथ ही नमाज रोजा हज जक़ात उमरा और सदका और ये और वो फर्ज हो जाता न्यू कन्वर्ट्स बीन लाइक बॉस यहाँ तो बहुत मुश्किल हो रही है जिंदगी आसान करने के लिए भी ऐसा किया गया अब इसको मैंने वैसे तो फोर ऑन फोर दिया हुआ है ठीक है? ऑल दो आई ideally दिस आंसर इन केम्ब्रिज एग्जामिनेशन वुड गेट थ्री आउट ऑफ फोर ठीक है इससे भी बेहतर होना चाहिए मूविंग फॉरवर्ड एक और आंसर देख लेते हैं Let's see, मुझे लगता है शायद इसका एक और सेम आंसर मैं आपको दिखा पाऊंगा ये सेम क्वेश्चन कुरान वॉज नॉट रिवील्ड एट वंस बिकॉज अब इसमें स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं है मतलब अलग स्टेटमेंट ही नहीं है ना इसमें उसी सेंटेंस में पहला पॉइंट चिपका दिया गया है इट वुड बी मच ईजियर फॉर पीपल टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ कुरान कुरान वॉज नॉट रिवील्ड एट वांस बिकॉज इट वुड बी मच इजियर फॉर पीपल टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ कुरान वेग है थोड़ा वेग है इट वॉज नेसेसरीर कुरान अब इसमें फर्स्टली सेकेंडली भी नहीं है यहाँ से क्या नया पॉइंटर शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके लिए एग्जामिनर को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई क्या सीन है इट वॉज ने कुरान मस्ट बी इम्प्रिंटेड ऑन मुस्लिम ग्रेजुअली इम्प्रिंटेड ऑन मुस्लिम ग्रेजुअली अच्छा ओके एंड सो इट वुड बी कन्वीनियंट टू रीड वर्सेज एंड फॉलो इट इवेंचुअली अब ये बहुत ज्यादा वेग पहली बात तो इसमें पॉइंटर्स भी कम है मिसिंग है प्लस जो लिखे हैं वो भी बहुत ज्यादा वेग और अनक्लियर है ठीक है सो दिस इज लाइक माई मर्सीज में हो सकता है इस आंसर को मिले वन आउट ऑफ ठीक है अच्छा अब एक चीज होती है बड़ी इंपॉर्टेंट उसको कहते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट ठीक है report, ये वाला जो क्वेश्चन था 2018 समर इसका एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ के देखते हैं कि इस आंसर में क्या लिखा हुआ है बच्चों ने दिस वाज जनरली वेल आंसर्ड विद मोस्ट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग फ्रॉम देम Most answers said that revelations were spaced out to relieve the burden on the Prophet. Ye point, sabne copy kiya hai. Good job. The need for gradual change or in response to the different needs of situations. The better answers were able to elaborate on these points. Now, that in this answer, in answer, there is no elaboration. Hai. Pe elaboration. two pointers, lekin elaborate kiya hua. Uh, Being specific about the circumstances of a revelation some of the best answers let's see best answers ne different it would have been no use if the quran was revealed whole and muslims were obligated to perform salah without knowing the reason behind it it was in parts to ensure the faith of new muslims was strong before imposing new religious obligations wala point hai jo pehla paper jo aapko ठीक है, so, I hope कि मैंने आपको मार्किंग स्कीम एग्जामिनर रिपोर्ट और कैंडिडेट रिस्पॉन्स का एक मिक्स बनाकर एक्सप्लेन किया कि क्या क्या होते हैं हैं। और क्या errors हमें किस तरह से avoid करने अनदर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं वाई डिड पीपल फियर द मैसेज दैट प्रॉफिट के प्रॉफिट वसल्लम जो मैसेज लेकर आए उससे लोग डरे क्यों ये फोर मार्कर है पार्ट बी है <coughs> ठीक uh, है तो इसकी मार्किंग स्कीम देखेंगे कुरैश ठीक है uh, pilgrimage से बहुत ज्यादा वो मिलता था ठीक है फिर उनकी इनकम थी फ्री में उनको पैसे मिल जाते थे लाइफ स्टाइल नहीं चेंज करना चाहते थे वो लोग अपना अपने फोर फादर्स का रिलीजन नहीं छोड़ना चाहते थे हमें इन रीजन के ऊपर बात करनी है ठीक है अच्छा सो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर हम कॉजे ऑफ ऑपोजिशन का यही वाला आंसर अगर हम लिखें तो हम किस तरह से लिखेंगे देखो देखो। देखो। इसका आंसर स्ट्रक्चर ठीक है ये पहला पॉइंट अगर Quraish, Quraish को ऐसा लगा कि अगर हम इस्लाम कबूल कर लें सो इट वुड फिनिश देयर स्टेटस ऑफ ऑफ काबा विच विल एंड थ्री थिंग्स नंबर वन सुपीरियोरिटी क्योंकि ये लोग क्या करते थे ये काबा का केयर टेकर बन के दुनिया को ये दिखाते थे कि देखो हम खुदा के कितना करीब हैं और इस चीज को लोग रिस्पेक्ट करते थे ठीक है अरब के समझ लो कि ये मोलवीज के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करते थे पॉलिटिकल सुपीरियोरिटी अब ऑटोमेटिकली क्योंकि काबा इनके पास था और ये लोग बुल करते थे लोगों को जैसे आपको पता है कि टी टी ऑफेबिया में तो लोग पॉलिटिकली भी इनसे ना जरा डर के रहते थे अब यार कुरेश थोड़ा बना के रखो ऐसा ना हो कि उमरा हाँ ही बैन कर दे यार और फिर एफर्टलेस इनकम फ्रॉम आइडल्स वो आपने पीके वाला सीन देखा होगा कि आइडल्स के नाम पे इनको फ्री में मिलता था पैसा तो ऐसा धंधा कि जिसमें इन्वेस्टमेंट है जीरो ठीक है रिस्क ऑफ लूजिंग मनी इट्स लाइक नियरली जीरो और बस फ्री में आप बैठ के कमाते रहो कोई इनकम नहीं कोई मेहनत नहीं दे डिड नॉट वॉन्ट टू चेंज ओल्ड लाइफ स्टाइल ठीक है इस्लाम तो ये सारी चीजें अलाउ ना करता इस्लाम कहता ये सब छोड़ो इन्हें छोड़ना नहीं थार परसेप्शन ऑफ प्रॉफिट ये समझते थे कि या तो फरिश्ता होना चाहिए नबी को या उसको बहुत अमीर और ताकतवर होना चाहिए इसीलिए आपने देखा होगा कि ताइफ और मक्का वाले लोग प्रॉफिट से बार बार सवाल करते थे कि अल्लाह को और कोई नहीं मिला नबी बनाने के लिए एक्सेप्ट फॉर दिस ऑर्फन एंड पुअर मैन नाउजुबिल्ला ठीक है एंड लास्टली दे डिड नॉट वांट टू अबैंडन द रिलीजन ऑफ फोर फादर्स अच्छा अब ये जो पॉइंट टू है इसको अगर हम कंस्ट्रक्ट करें इसको अगर हम आंसर में कन्वर्ट करें तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको आप जरा देख लें ठीक है टाइम डन अब देखें अब इसको अगर हम आंसर में कन्वर्ट करते हैं और एक कैंडिडेट इसको आंसर में ऐसे कन्वर्ट करता है कि दे अपोज्ड द मैसेज ऑफ प्रॉफिट पबी अपॉन हिम बिकॉज़

लेकिन अगर एक अच्छा कैंडिडेट इसी को खूबसूरत तरीके से कंस्ट्रक्ट करे और वो लिखे के अनदर रीजन बिहाइंड देयर ऑपोजिशन वॉज फियर ऑफ चेंजिंग देयर लाइफ स्टाइल कुछ समझ में आ रहा है कुछ देखो स्टेटमेंट कुछ बना है कुछ बात कन्वे हो रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हो अनदर रीजन बिहाइंड देयर ऑपोजिशन वॉज फियर ऑफ चेंजिंग देयर लाइफ स्टाइल इस्लाम वुड वॉन्ट देम टू स्टॉप ड्रिंकिंग एल्कोहॉल एंड गैमलिंग एंड दे वुड बी इंस्ट्रक्टेड टू ट्रीट स्लेव एंडक्वली विच दे वुड नेवर एक्सेप्ट अब आप देखेंगे ऊपर सिर्फ ये बताया भाई कि वो लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे लाइफ स्टाइल तो बताया ही नहीं क्या चीजें हैं जो छोड़ने में उनको इतनी मौत आ रही है तो हम बताएंगे कि भाई लाइफ स्टाइल चेंज करना उनके लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर था उनको एल्कोहल छोड़नी पड़ती कैम्बलिंग छोड़नी पड़ती स्लेव्स को राइट्स देने पड़ते वेमेन को राइट देने पड़ते इसीलिए तो वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे और ऐसा रिस्पांस अगर आप लिखेंगे तो ये देखने के बाद एग्जामिनर का बिल्कुल यही रिस्पांस होगा कि डाडो सुठो प्रोग्राम आए ठीक है भाई तो ये हो गया हमारा एक कंपैरेटिव एनालिसिस के कमजोर कैंडिडेट क्या लिखेगा और डाडो मजो आयो कैंडिडेट क्या लिखेगा आगे बढ़ते हैं लेट्स टॉक अबाउट स्टार्टिंग स्टेटमेंट स्टार्टिंग स्टेटमेंट के ऊपर ज़रा स्पेसिफिकली बात करते हैं मिसाल के तौर पर अब ये वाला question है। इस question को देखो। यानी ने persecution period में जिस तरह रिएक्ट किया ये बात से आज का मुसलमान क्या सीख सकता है ठीक है अब इसका एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट लिखने का तरीका है ये

मुस्लिम्स लर्न टू लव प्रोफिट मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम फ्रॉम अबू बकर रजी अल्लाह गेव अप्राइबल प्रोटेक्शन फॉर द सेक ऑफ प्रोफिट पीसॉन क्योंकि ट्राइब ने कहा था कि आप या तो मोहम्मद की दोस्ती रख लो या हमारी प्रोटेक्शन ले लो अस्तू बकर ने कहा था आप अपनी प्रोटेक्शन को अपने पास रखें मुझे तो मोहम्मद की दोस्ती चाहिए ठीक है तो आप इनका बिल्कुल फेशियल रिएक्शन देख सकते हैं कि इनको भी ढाडो मजो आयो अच्छा तो क्या क्या बातें कर ली भाई हमने तकरीबन मुझे लग रहा है सारी बातें कर ली हैं भी हमने डिस्कस कर लिया ये भी कर लिया ठीक है भाई तो ऑल इन ऑल आपने क्या करना है आपने पार्ट बी को इजी uh, लेना है ठीक है तीन पार्ट भी होते हैं एक पेपर में दैट मीन्स ट्वेल्व मार्क्स होते हैं और ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व जो है वो यानी कि ट्वेंटी फोर आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स का जो है वो आपका ये होता है फोर uh, मार्कर्स ठीक है तीन पार्ट पेपर वन में होते हैं तीन पेपर टू में होते हैं तो चीज़ बड़ी आसान है आप इसको याद करके नहीं जा सकते हर दफ़ा नया आता है ठीक है इन रूल्स का आप ख्याल रखें इन यू आर गोइंग टू ए सट स्टूडेंट्स हैव बिन आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन तो मैंने यूजली मैं नंबर डाल देता हूँ मुझे आप राफी भाई को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन फिफ्थ मार्च दैट मीन्स के आपके एग्जामिनेशन में वन आर ट्वेंटी डेज का टाइम बाकी है सो वेरी सून इन अपकमिंग मंथ नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू कंडक्ट आर

Best of luck. My prayers are with you. Work hard. Give your best shot. And inshallah, see you in upcoming video. Omar Khan signing out. Take care. Allah Hafiz.